उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश परेशानी का सबब बनती जा रही है। राजधानी देहरादून का तो बारिश से और भी ज्यादा बुरा हाल है। देहरादून में लगातार हो रही बारिश से देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाला पुल टूट गया है। पुल के टूटने से रानी पोखरी के पास आवागमन पूरी तरह से ठप है। बताया जा रहा है कि पुल पर कुछ गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। आपको बता दें कि देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे पर ये महत्वपूर्ण पुल है। तो राजधानी देहरादून का तो बुरा हाल है बारिश से, लेकिन लगातार ये बारिश आफत की बारिश बनती जा रही है। ये पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, देहरादून से ऋषिकेश को ये जोड़ता है पुल, लेकिन अब यहाँ पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है और कई वाहन अभी भी इस पुल टूटने के बाद फंसे हुए हैं। लोगों की सहूलियत के लिए इस पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन थोड़ी सी ही बारिश में इसकी कैसी हालत हो गई है ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। हालांकि लोगों को यहां से गुजरने पर कम दूरी तय करनी पड़ती थी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लेकिन अब उनके सामने मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देहरादून से ऋषिकेश को ये पुल जोड़ता था, लेकिन अब बारिश की वजह से ये क्षतिग्रस्त हो गया है। कई वाहन अभी भी फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। तो पुल के टूटने से रानी पोखरी के पास आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ गया है और अभी भी कुछ गाड़ियां वहां फंसी हुई हैं। तो बारिश लोगों पर आफत बनकर कहर बनकर टूट रही है। ये तस्वीरें देखिए, वाहनों को निकालने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। जाम की स्थिति वहां नजर आ रही है, कई वाहन अभी भी फंसे हुए हैं। लोगों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है और भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको दो तस्वीरें अब दिखाने जा रही हैं। पहली तस्वीर देहरादून के सहस्त्रधारा की है, जहां भारी बारिश की वजह से पूरी सड़क ही बह गई और इस दौरान तेज बहाव की चपेट में सड़क पर खड़ी कुछ गाड़ियां भी आ गई। तो वहीं दूसरी तस्वीर टिहरी जिले की है, जहां भारी बारिश की वजह से रास्ते पूरी तरह से बाधित हो गए हैं और सड़कों पर पत्थर और बोल्डर आ गए हैं और जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं। ये सहस्त्रधारा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देहरादून की तस्वीरें, जहां आसमानी आफत का कहर देखने को मिला है। सड़क पूरी बह गई है और दूसरी तस्वीर देखिए, सड़कों पर बोल्डर किस तरीके से नजर आ रहे हैं, टिहरी की तस्वीर। तो बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ये देखिए यहाँ पहाड़ से गिर रहा मलबा लोगों के लिए परेशानी बढ़ा रहा है। तो दूसरी तरफ देहरादून का हाल जरा देखिए, सहस्त्रधारा रोड पूरी तरीके से बह गई है। राजधानी देहरादून में तेज बारिश के बाद अचानक एक कार के ऊपर पेड़ गिर गया और जिसके बाद पेड़ गिरने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि सूचना मिलने पर डालनवाला कोतवाली के पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और जिसके बाद कड़ी मशक्कत से पुलिस टीम ने पेड़ की टहनियों को काटते हुए कार के अंदर फंसे शख्स को सकुशल बाहर निकाल लिया। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप नेगी देहरादून से जुड़े हुए हैं। कुलदीप, लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए आफत बन रही है, कहीं पेड़ गिर रहे हैं, कहीं सड़कों पर मलबा आ रहा है, तो कहीं पूरा जो पुल है वो बह रहा है। देखिए बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि देहरादून को ऋषिकेश से जोड़ने वाला जो रानी पोखरी का पुल है वो टूट गया है और उसके कारण से जो यातायात है उस रूट पर वो बाधित हुआ है। दरअसल जॉलीग्रांड जो एयरपोर्ट है उसके बाद रानी पोखरी का इलाका पड़ता है और उसके पहले ही ये पुल है, काफी महत्वपूर्ण ये पुल है नेशनल हाईवे पर स्थित, जिसमें कि पूरा जो ट्रैफिक रहता है वो ऋषिकेश के लिए जाता है और वो ट्रैफिक पूरी तरीके से बाधित हो गया है, अब डाइवर्ट होकर वो ट्रैफिक जाएगा। दूसरा मैं आपको बताऊं कि बद्रीनाथ ऋषिकेश जो नेशनल हाईवे है, और इस वक्त हमारे साथ हरिओम शर्मा जी जुड़ गए हैं। हरिओम शर्मा जी, ये तो अभी बारिश हल्की फुल्की हुई है, ऐसे कैसे ये पूरा पुल क्षतिग्रस्त हो गया? मैडम, इसमें एक्चुअली कल बारिश बहुत ज्यादा थी
तो जाखन नदी में पानी का लेवल काफी बढ़ गया और पानी कंसंट्रेट होके कुछ ही पैनल्स के नीचे से निकला है, तो उससे उसकी वजह से 3 पैनल उसके क्षतिग्रस्त हुए हैं रानी पोखरी साइड के। लेकिन सर जब पुलों का निर्माण होता है तो सारी चीजें गुणवत्ता क्या क्या सामान उसमें यूज हो रहा है ये सब तो देखा जाता है ना? बिल्कुल देखा जाता है, ये पुल जो है 1964 का बना हुआ था। तो क्या बीच में इसकी मरम्मत नहीं की गई सर? नहीं, मरम्मत तो जो आवश्यक होती है वो अवश्य करी जाती है, लेकिन ऐसा कोई साइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन नहीं था ब्रिज में, तो अब ये तो एक दैवीय आपदा है कि पानी ज्यादा बढ़ने से उसमें क्षति हुई है सर। लेकिन ये सब जो चीजें होती हैं, जो पुल होती हैं, जो सड़कें होते हैं, उसका कामकाज जो है बरसात शुरू होने से पहले ही देख लिया जाता है, उन चीजों को चिन्हित कर लिया जाता है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा काम होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया जबकि ये तो महत्वपूर्ण हाईवे है? लेकिन जैसे मैंने कहा, इस पर कोई साइन ऑफ डिसइंटीग्रेशन नहीं था, तो ये तो अचानक एक इतना ज्यादा जल स्तर बढ़ा ही था उसकी वजह से उसमें डैमेजेस हुई है। जी हरिओम जी, लेकिन अभी ये जो पुल जिस तरीके से पूरा क्षतिग्रस्त हुआ है, टूटा है, उसके बाद लोगों के लिए परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि वाहन वहां फंसे हुए हैं, रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है। बिल्कुल, तात्कालिक रूप से खोले जा रहे हैं सभी जगह, हमारी पर्वतीय क्षेत्रों में मशीनें तैनात है और उसमें लगातार काम किया जा रहा है और बहुत शीघ्र ही खुल जाएंगे। हरिओम शर्मा जी, लेकिन इस हाईवे के जरिए लोगों को सहूलियत ये होती थी कि कम वक्त में वो अधिक दूरी तय कर लेते थे, तो क्या अब उनको लॉन्ग रूट से आना पड़ेगा या कोई और रास्ता या कोई और तरीका होगा निकालने का? रानी पोखरी ब्रिज की बात करें तो इसके लिए लगभग 20 किलोमीटर और उसमें ट्रेवल करना पड़ेगा अधिक, क्योंकि नेपाली फार्म से होते हुए जाना पड़ेगा अभी। लेकिन हम लोग इस पर साइड पर देख रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऐसे रास्ता मुहैया करवा सकते हैं लोगों के। लेकिन सर अब ये जो क्षतिग्रस्त हुआ है पुल, इसको बनने में तो वक्त लगेगा, तो क्या आप लोग इसकी भी जांच करवाएंगे कि कहां कहां कमियां कुछ नजर आई हैं जिस वजह से ये ऐसा टूटा है? रिपेयरिंग का काम कब शुरू होगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी देखा जाएगा कि कहीं पे और किसी पुल में तो इस तरह का नहीं कोई ऐसा वो है साइन की क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो, वो भी देखा जाएगा, प्लस इसमें डायवर्जन बना के इसमें रास्ता खोला जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरिओम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, जो कि कह रहे हैं कि ये पुल जो क्षतिग्रस्त हुआ है इसके रिपेयरिंग का काम भी शुरू होगा और अन्य पुलों को भी चिन्हित करके देखने की कोशिश की जाएगी कहीं कोई कमियां तो नहीं है और उन खामियों को भी दूर किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देहरादून से ऋषिकेश को ये पुल जोड़ता है और बड़ी संख्या में लोग यहां से इस रास्ते के जरिए सफर तय करते थे, लेकिन फिलहाल ये पुल क्षतिग्रस्त हो गया है, लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ गई हैं क्योंकि अभी भी कई वाहन वहां पर फंसे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिशें चल रही है। जरा सी बारिश, लेकिन इस बारिश ने लोगों के लिए आफत किस कदर बढ़ा दी है ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। पुल टूटने से कई वाहन अभी भी फंसे हुए हैं। रानी पोखरी के पास आवागमन पूरी तरह से ठप पड़ गया है। 1964 का ये पुल बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब बारिश शुरू होने वाली होती है तो उससे पहले इन पुलों को क्यों नहीं देखा जाता, इन रास्तों को क्यों नहीं देखा जाता जहां पर मरम्मत की जरूरत है। तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रानी पोखरी पर स्थित ये पुल टूट चुका है जिसमें कई वाहन अभी भी फंसे हुए हैं, निकालने की कोशिशें चल रही हैं।